दोस्तों, आपको हमारा YouTube का नॉलेज इन्फॉर्मेशन चैनल अगर आपको पसंद आया हो तो इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके रिव्यू मिल सकें और हम अपने किसी भी चीज़ को, आपने अगर कोई कमेंट्स किया है तो उसका मैं उत्तर दे सकूँ आपको और अपने कोई इम्प्लीमेंट कर सकूँ, ताकि आपको आगे से आगे मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी डालूँ वो अच्छे से अच्छा बने और आप हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो के इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, धन्यवाद। हम आज की डेट में जो सेक्टर हमारा दूसरा है मास और मीडिया कम्युनिकेशंस का, उसमें हमारे सारा कि आज आप देखते होंगे कि जगह जगह आपको बहुत सारे चैनल्स भी मिलते हैं देखने को, न्यूज़ चैनल्स हो गए, एंटरटेनमेंट चैनल्स हो गए। तो इसको हमारे आपके सारे टीवी चैनल्स, चाहे वो डिश टीवी हो, चाहे एयरटेल टीवी हो, चाहे फ्री ऑफ डिश टीवी हो, सभी में आपको ये चैनल्स हमारे मिलते हैं। और मीडिया में हमारे इनके न्यूज़पेपर भी कई सिटी में हमारे सारा के नाम से न्यूज़पेपर भी निकलते हैं जो पब्लिश होते हैं और लोगों को पढ़े मिलते हैं। तो इस क्षेत्र में भी इनका कार्य कंटिन्यूस है। तो ये क्षेत्र भी आज की डेट में बूम पे है। अगर हम नेक्स्ट क्षेत्र की बात करते हैं रियल एस्टेट, तो रियल एस्टेट अभी भी हमने अभी आपको पहले भी एक वीडियो में बताया है कि रियल एस्टेट जो इनका सेक्टर है थोड़ा सा भी इस समय डाउन है। एक्चुअली इनकी जितनी भी लैंड ली हुई जो पड़ी हुई है अलग अलग सिटी में, तो कहीं पे कंस्ट्रक्शन हुआ, कहीं पे नहीं हुआ, कोई लैंड मिली है या कोई फंसी हुई है, अभी आधी हो पाई हैं आधी नहीं हो पाई हैं, तो इस तरीके से हमारा रियल एस्टेट में प्रॉब्लम थोड़ा सा इनका चल रहा है। लेकिन कहीं कहीं जगह इनकी पूरी हो चुकी हैं। और जिस तरीके से आज के सेक्टर को अगर हम देख रहे हैं, आज के टाइम पे हम रियल सेक्टर की बात कर रहे हैं, ये तो थोड़ा हमारा भी निगेटिव सेक्टर में है। स्पोर्ट्स सेक्टर में आए तो स्पोर्ट्स सेक्शन में भी अगर आप देखते होंगे कि सारा इंडिया का ही सबसे ज़्यादा नाम चलता था स्पोर्ट्समैन या जो भी हो, चाहे वो क्रिकेट में हो चाहे हॉकी में हो, तो अगर आप देखते होंगे तो जनरली इसमें हमको इनकी जो टी शर्ट्स जो अपनी सारा अपनी स्पॉन्सर्ड करती थी, तो अपनी ही टी शर्ट पर इनका अपना लोगो लगा के सबको पहनने को देती थी। तो इससे कि इनका जो मतलब कि एंटरटेनमेंट में भी अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बूम होता था, क्योंकि जितना भी एक प्रमोशन चैनल्स होते थे सब पे इनका पहला अधिकार होता था कि सारा को ही पहले नंबर पे रखा जाए। इसके बाद अगर हम आते हैं तो पावर सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, तो पावर सेक्टर में भी थोड़ा वर्किंग है, लेकिन अभी वो चीज़ हमारी अभी नहीं आ पाई है। मैन्युफैक्चरिंग नेक्स्ट डिपार्टमेंट अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, तो सारा का हमारा स्टोर आया था जिसमें कि हमको बहुत सारे सामान अवेलेबल कराए गए थे। सारा स्टोर के नाम से लखनऊ में भी सबसे पहले स्टार्ट हुआ था और बाद में हर सिटी में इसको स्टार्ट कर दिया गया था। लेकिन किसी समय ये बिल्कुल बूम पे था, लेकिन अभी इस समय इसका मतलब मार्केट थोड़ा सा निगेटिव हो चुका है और अभी हमारे पास इसका कोई भी रिजल्ट इस तरीके से नहीं आ पाया है कि इस पर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इसका प्रचार हो सके या ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मैन्युफैक्चरिंग करके इसको मतलब लोगों के सामने लाया जा सके। नेक्स्ट हमारे आता है डिजिटल एजुकेशन पे, तो इस पे भी अभी वर्किंग पे है अभी, लेकिन पूरी तरीके से वो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म अभी तैयार नहीं कर पाए हैं ये, चाहे वो अपने किसी भी इन्वेस्टर की अगर बात करें, किसी की भी मैच्योरिटी हो या ऑनलाइन उसका पेमेंट हो या किस तरीके की कोई बात हो, तो अभी वो डिजिटलाइजेशन पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं हो पाया है। अगर हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात करें तो इस सेक्टर में भी कुछ काम हुआ है, लेकिन ज़्यादा अगर बात करें तो अभी इस सेक्टर पे इनका काम रुका हुआ है। और ये सारी चीज़ें करीब करीब डिपेंड करती हैं कि जो हमारा सारा का जो मेन ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग जो इनके चीज़ें आ रही हैं सामने, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो आज हमारा बहुत सारे सेक्टर थोड़े से कम डेवलपमेंट हैं, लेकिन कुछ सेक्टर अच्छे डेवलपमेंट पर भी चल रहे हैं। अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो सारा का हॉस्पिटल हमारा जो बना हुआ है, अगर हॉस्पिटल की बात करें तो लखनऊ में हमारा सारा हॉस्पिटल बना हुआ है और उस पर भी अच्छा खासा इनका रिस्पांस है। मतलब हॉस्पिटल के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो इनकी बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं, अपना ज़्यादा ज़्यादा ये इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, अपने इक्विपमेंट को भी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को हॉस्पिटल की सेवा लोगों को प्रोवाइड कर सकें। और जो भी ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सपेंसेस हॉस्पिटल के एक्सपेंसेज मतलब जो ट्रीटमेंट होते थे या हम बोल सकें कि मतलब जो सर्जन करते थे, तो उनकी भी कुछ मशीनें ऐसी हैं जो विदेशों से मंगाई जा रही हैं, ताकि उन चीज़ों को कम रेट पे मतलब हमारे अपने कस्टमर को अवेलेबल करा सकें, मार्केट से भी कम रेटों पे हम उस चीज़ को
कि मतलब चाहे वो आपकी पैथोलॉजी रिपोर्ट्स हों या एक्सरेज हों या सीटी स्कैन्स हों या फिर और भी चीज़ें जो आती हैं वो सारी हम कम पैसों में मुहैया करा सकें। इसके बाद हमारे पास आता है लाइफ इंश्योरेंस। सारा लाइफ इंश्योरेंस का भी एक समय बहुत नाम था, तो इसमें हमारा जिस तरीके से हम लोग LIC में वर्किंग करते हैं, इस तरह से हमारे सारे एजेंट भी सारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस का वर्क कर सकते थे। अभी बीच में कुछ समय के लिए सारा को लाइफ इंश्योरेंस के सेक्टर से हटा दिया गया था, और अभी पूरी तरह से वो न्यूज़ क्लियर नहीं है कि इनको लाइफ इंश्योरेंस का जो सेक्टर का जो लाइसेंस था वो दोबारा इनको मिल पाया है। अगर हम बात करें, एक इनका सारा इंडिया का एक ऑलरेडी एक अलग भी फंड था जिसको म्यूचुअल फंड भी कहते थे, लेकिन सेबी ने इस पर भी रोक लगा दी थी, तो म्यूचुअल फंड में भी जिनका इन्वेस्टमेंट था तो उनका भी इन्वेस्टमेंट इसमें रुका हुआ है, और अभी लाइसेंस को दोबारा रिन्यू नहीं करवाया गया है, ना ही वो सेबी उसको करने दे रही है। चूँकि सारा मामला सेबी के विचाराधीन है, तो इसलिए अभी इन दोनों सेक्टरों पर मतलब लाइफ इंश्योरेंस पे और हमारे म्यूचुअल फंड सेक्टर पे रोक लगी हुई है। नेक्स्ट आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आते हैं, तो ये भी हमारा सेक्टर अभी करीब करीब उस तरीके से बूम पे नहीं है। इस पे भी काम चल रहा है जिसमें कि आर्टिफिशियल लिम्स थे, आर्टिफिशियल आर्म्स वगैरह तैयार करने का काम था जो कि प्लांट लगे, लेकिन अभी इस पे पूरी तरह से वर्किंग नहीं हो पाई है। इसके अलावा आते हैं नेक्स्ट सेक्टर पे कोऑपरेटिव सोसाइटी पे। नेक्स्ट हमारा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सारा ने करीब करीब दो तीन सारा की अपनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है, जिसमें कि एक आर्यन है हमारी, एक स्वयं के नाम से एक हाउसिंग सोसाइटी है, और एक इसके अलावा सारा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम से बना हुआ है, रियल इस्टेट के नाम से ही बना हुआ है, और इस पर भी वर्क हो रहा था। चूँकि ये हमारा सारा रियल इस्टेट के अकॉर्डिंग ही काम हो रहा था, जिसमें कि RD FD MIS वगैरह के काम होते थे, तो इस समय ये भी अभी हमारे रुके हुए हैं। इसके बाद आते हैं रिटेल पे, तो रिटेल पे अभी मैंने थोड़ी देर बात की है, जो मैन्युफैक्चरिंग की जो थी वो रिटेल पे ही सारा काम होता था, तो चूँकि मैन्युफैक्चरिंग इस समय रुकी हुई है, तो मैं रिटेल पे भी काम पे असर पड़ा है। जो रिटेल हमारा होता था, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू हो, मैन्युफैक्चरर के थ्रू हो, या हमारे लोगों के थ्रू होता था, तो अभी वो भी हमारा रुका हुआ है। तो दोस्तों, आज हमने करीब करीब इनके सभी जितने भी सेगमेंट थे तो उसके विषय में थोड़ा थोड़ा जानकारी मैंने आपको दी हुई है। तो किसी सेक्टर में अच्छा खासा इनका बूम है, और किसी सेक्टर में ये अभी निगेटिव में चले गए हैं, लेकिन आने वाले समय में ये फिर से एक बार सारा जो इंडिया परिवार हमारा है, जो हमारा 1978 से जो चला आ रहा है, तो आगे भी हमारा ये चलता रहेगा, और उस पर आगे उम्मीद है कि सारा सेबी की ये वर्चस्व की जो लड़ाई है वो जल्दी ही ख़त्म होगी, और हमारा इन्वेस्टर फिर से इस पर उसी तरीके से फेस कर पाएगा जैसा वो पहले कर रहा था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।